10 मिनट में 50 खबरें। दिल्ली के आनंद विहार में 5 साल की बच्ची से गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार। वारदात के वक्त घर में अकेली थी बच्ची, लोगों ने आरोपियों को जमकर पीटा। गाजियाबाद में एक होटल में कारोबारी के बेटे की संदिग्ध मौत, परिवार वालों को हत्या का शक। होटल के मुताबिक अभिषेक के साथ होटल के कमरे में उसकी दोस्त साथ थी। नोएडा में 11वीं की छात्रा ने छेड़छाड़ से परेशान होकर की खुदकुशी, पुलिस से शिकायत के बाद भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं। गुड़गांव में 20 साल की युवती से गैंग रेप, नेपाल के रहने वाले 6 युवकों पर रेप का आरोप। दिल्ली से गुड़गांव जन्मदिन की पार्टी करने आई थी पीड़ित, सभी आरोपी पीड़ित लड़की के मित्र के जानने वाले। दिल्ली में एक स्कूल में छात्र ने दोस्तों के साथ मिलकर एक साथी को बुरी तरह पीटा, आईसीयू में भर्ती है हम्माद। पुलिस ने आरोपी छात्र के खिलाफ दर्ज किया केस, घायल छात्र के होश में आने का है इंतजार। मुंबई के कुर्ला में एक होटल में हुआ जबरदस्त सिलेंडर धमाका, धमाके में 8 लोगों की मौत। सिलेंडर धमाके में मारे गए लोगों में 7 डॉन बॉस्को संस्थान के छात्र। मुंबई पुलिस पर रेप पीड़ित महिला के साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप, पीड़िता ने कहा आरोपी के इशारे पर थाने के अंदर पुलिस ने किया खराब व्यवहार। मध्य प्रदेश के बैतूल में 14 साल के बच्चे ने लगाई फांसी, कम नंबर आने से था परेशान। हिमाचल प्रदेश के नाहन में गाय की तस्करी के शक में भीड़ के हत्थे चढ़ा नौजवान, पीट पीट कर की हत्या। मृतक के गांव सहारनपुर के रायपुर में परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, माता पिता और 3 छोटी बहनों के लिए अकेला था कमाने वाला। तीसरे चरण के चुनाव के लिए एनडीए झोंकेगी पूरी ताकत, 50 सीटों पर पीएम की 4 रैली समेत एनडीए करेगी कुल 250 रैलियां। गृह मंत्री राजनाथ सिंह 6 स्थानों पर और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 9 जगह पर करेंगे सभाएं। आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बिहार दौरा, सारण और बक्सर में रैली को करेंगी संबोधित। लालू और नीतीश ने भी झोंकी पूरी ताकत, सूत्रों की खबर तीसरे चरण के चुनाव में लालू नीतीश करेंगे हर सीट पर प्रचार। राहुल गांधी आज पंजाब कांग्रेस के नेताओं से करेंगे मुलाकात, पंजाब के इंचार्ज हैं शकील अहमद, मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी ने लालू यादव को फोन कर पूछा हाल, मोतिहारी की चुनावी रैली में पंखा गिरने से लगी थी चोट, राजनीतिक मुद्दों पर भी हुई बात। नेपाल के उप प्रधानमंत्री कमल थापा 3 दिन के भारत दौरे पर, नए संविधान के बाद चल रहे विवाद पर बातचीत की उम्मीद। ट्रेन में बिकने वाले रेल नीर में बड़े घोटाले का खुलासा, सीबीआई ने उत्तर रेलवे के 2 पूर्व अधिकारियों और 7 निजी कंपनियों पर की छापेमारी, 20 करोड़ रुपए रेल नीर की जगह सस्ते बोतल की सप्लाई। घोटाले पर रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया ट्वीट, रेलवे बोर्ड को तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देश दिया। जजों की नियुक्ति मामले में केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का झटका, न्यायिक नियुक्ति आयोग को ठहराया असंवैधानिक, जज ही करेंगे जज की नियुक्ति। बैंगलोर में बोले कानून मंत्री सदानंद गौड़ा, जजों की नियुक्ति पर आए फैसले के मद्देनजर ली जाएगी कानूनी सलाह। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा यह सरकार का कानून नहीं था, इसे संसद ने किया था पास। बीफ पर बयान देकर फंसे हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, एक अंग्रेजी अखबार का दावा, खट्टर ने कहा मुसलमानों को देश में रहना है तो बीफ छोड़ना होगा, हालांकि बाद में सीएम की सफाई, बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। 23 अक्टूबर को दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस का पुतला दहन कार्यक्रम, महंगाई पर सरकार को घेरने की रणनीति। दिल्ली में 8 नवंबर को होगा गुलाम अली का कॉन्सर्ट, केजरीवाल सरकार में पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा का बयान, पत्थर मारने वालों का फूलों से स्वागत।
हिंदी के कथाकार काशीनाथ सिंह ने लौटाया साहित्य अकादमी पुरस्कार, कहा बहुलतावादी समाज पर खतरा, पीएम को नहीं रहना चाहिए खामोश। महाराष्ट्र के 14,708 गांव सूखाग्रस्त घोषित, इन गांव में बिजली बिल में 33.5% छूट का ऐलान, छात्रों की परीक्षा फीस भी होगी माफ। मध्य प्रदेश के देवास में अजनास का सरपंच 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा गया, ये है विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का आदर्श ग्राम। नकल पर खुली शिक्षा विभाग की पोल, सोनीपत में टीचर ही करवाते हैं नकल, आसपास की दुकानों में नकल के लिए खुलेआम हो रहा था फोटोस्टेट। दिल्ली के पश्चिम विहार में टीचर पर छात्र की पिटाई का आरोप, परिवार ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस की गिरफ्त में दो झपटमार, पकड़े जाने पर निगल लिया चेन, एक्सरे में हुआ खुलासा। यूपी के लखीमपुर खीरी में सोना चुराने वाले गैंग सीसीटीवी में कैद, सोने का बॉक्स लेकर फरार। यूपी के चित्रकूट में बिजली विभाग का करंट, चाय की दुकान लगाने वाली महिला के पास आया 2.5 करोड़ का बिल। मैगी पर नेस्ले को मिली बड़ी राहत, मैगी के तीनों सैंपल को लैब से मिली क्लीन चिट। दिल्ली के पश्चिम बिहार की रामलीला देखने आए बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन, कल बिहार में भी बुराई पर होगी अच्छाई की जीत। दिल्ली में लव कुश रामलीला में छोटे पर्दे के सितारों की रौनक, रामलीला देखने पहुंचे ग्रामीण राज्य विकास मंत्री सुदर्शन भगत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रतनगढ़ माता मंदिर में चढ़ाया सबसे वजनी घंटा, घंटे का वजन है 1,935 किलो। कोलकाता में दुर्गा पूजा में बांग्लादेश के साथ जमीनों की अदला बदली की थीम पर बने पंडाल, जीवंत हो उठे गांव। मुंबई में वेडिंग पुलाव का प्रीमियर, अब्बास मस्तान, राकेश बेदी समेत कई दिग्गज मौजूद, विनोद प्रधान हैं फिल्म के निर्देशक। राजकोट वनडे को लेकर हार्दिक पटेल की धमकी, स्टेडियम में नहीं जाने दिया गया तो रोकेंगे दोनों टीमों का रास्ता। राजकोट में स्टेडियम आने वालों के लिए टिकट के साथ आईडी प्रूफ लाना भी जरूरी, हार्दिक पटेल ने इसका भी विरोध किया। तीसरे वनडे से पहले आज मैदान में कड़ी सुरक्षा के बीच अभ्यास करेंगी दोनों टीमें, एक एक की बराबरी पर हैं 5 मैच की वनडे सीरीज। अबुधाबी में पाकिस्तान और इंग्लैंड का मुकाबला, पहला टेस्ट ड्रॉ की तरफ बढ़ा। बॉल टेस्ट में मेजबान श्रीलंका ने की अपनी पकड़ मजबूत, वेस्टइंडीज को किया फॉलो ऑन के लिए मजबूर, स्पिनर रंगना हेरथ ने लिए 6 विकेट। आत्मघाती हमलों से दहल गया नाइजीरिया, उत्तर पूर्वी इलाके में हुए 2 धमाकों में 35 से ज्यादा लोगों की मौत। पनामा में 11 टन से ज्यादा ड्रग्स में लगाई गई आग, अलग अलग इलाकों में किया गया था जब्त। कैलिफोर्निया में बाढ़ के साथ आई कीचड़ में धंसी गाड़ियां, सड़क साफ करने में लगेंगे कई दिन। मशहूर पत्रिका वो के कवर पेज पर दिखेंगी एंजेलिना जॉली और उनकी फैमिली, काम और निजी मामलों पर इंटरव्यू। सैन डिएगो नेशनल पार्क में बेबी राइनो, 120 पाउंड है वजन।